नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज और मैं उज्जवल झा। बदलते मौसम में, जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले धूप निकली, उससे पहले बहुत कड़ाके की ठंड थी और फिर आज धूप निकल रहा है, कभी छांव कभी धूप। इस तरीके में हमारे साथ बहुत वरिष्ठ फिजिशियन है डॉक्टर शमशाद हुसैन। हम बात करेंगे इनसे कि बदलते मौसम में किस तरीके की बीमारियों का चलन ज्यादा हो गया है और क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, किस तरीके की ज्यादा इस टाइम पेशेंट आ रहे हैं? सर्दी का मौसम शुरू होते ही जैसे मौसम बदलता है, हमारे पास 2 या 3 तरह के पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक हार्ट संबंधी शिकायत लोग के बहुत आते हैं, सांस के मरीजों में इन्फेक्शन, सांस फूलने की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कई बार जो है ज़्यादा ब्लड प्रेशर या ज़्यादा खान पान की गड़बड़ी से लकवा, फालिस और इस तरह की समस्याएँ जो है ज़्यादा उभर के सामने आती हैं। तो मतलब जैसे इस टाइम में किस तरीके का प्रिकॉशन रखना चाहिए, आदमी को कैसे सचेत रहना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सर्दी से बचाव करें। सुबह और शाम के वक्त जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, अनावश्यक घर से ना निकलें, और निकलें तो अच्छे से अपने आप को कवर्ड करके निकलें। ब्लड प्रेशर, सांस या जो भी आपकी इस तरह की दवाइयाँ चल रही हैं उसको नियमित तौर पर लें और अपना रेगुलर चेकअप करा के उसकी दवा की अगर डोज बढ़ाने की ज़रूरत हो तो बढ़ाएँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर इस मौसम में नॉर्मल दवाइयों से भी नहीं कंट्रोल होता है। इसे जैसे कि देखा गया है, इन मौसमों में छोटे बच्चों पर और जो बुजुर्ग हैं इन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है इसका। सबसे ज्यादा असर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर, या जो बहुत छोटे बच्चे हैं उन पर होता है। इन लोगों को खासतौर पर हम लोग बहुत बचने की सलाह देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।